Hello friends, my name is Aslam Sheikh and today we are going to talk about the new education policy and its impact on college education experience. So let's begin. So, hello to all. Welcome to my YouTube channel and thanks for regularly watching our videos. My name is Aslam Sheikh and I'm the founder and CEO of Alif. Today we are going to discuss another very informative topic. So first point है यहाँ पर entrance test. So जी हाँ दोस्तों, entrance test को common रखने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको 10 exams देने की ज़रूरत ना पड़े. हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि कौन से exams के लिए होगा, but medicine और law को इससे बाहर रखा गया है. Second है syllabus. ये बहुत important चीज़ है जो government ने देखी है. हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक particular program में बहुत सारे subjects हैं. जैसे कि if when I did my commerce, I also studied about Hindi as a language in 11th-12th. Marathi is a language and even environmental study is a language. I don't know how it was connected with my commerce study. So government kya karne ki koshish kar rahi hai ki syllabus ko kam karegi. Degree जो है 3 साल की होगी, बट एक ऑप्शन है फोर्थ ईयर का जहाँ पे आप फोर्थ ईयर में रिसर्च बेस्ड डिग्री कर सकते हैं और शायद उसको ऑनर्स डिग्री कहा जाए, बट इट वुड बी अ रिसर्च बेस्ड डिग्री विच इज़ वेरी कॉमन टू हैपन इन अब्रॉड, जहाँ पे आप ऑनर्स डिग्री लेते हैं रिसर्च करके और यहाँ पे वही ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा. नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आप किसी रीजन से फर्स्ट ईयर के बाद अपना एजुकेशन डिग्री कॉलेज में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आज की तारीख में आपका वो 1 साल भी बेकार होता है और आपकी पढ़ाई भी, आपके पैसे भी. अब जबकि यहां पे ये ऑप्शन दिया गया है तो यू कैन कंप्लीट 1 ईयर एंड यू विल स्टिल गेट अ सर्टिफिकेट बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर. सेम वे इफ यू कंप्लीट 2 ईयर्स एंड यू वांट टू एग्जिट यू विल गेट डिप्लोमा एंड इफ यू कंप्लीट द इंटायर 3 ईयर और 4 ईयर यू विल गेट अ बैचलर डिग्री. सो देर आर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. नाउ ये एग्जिट तो हमने देख लिया, एंट्री कैसे होगी? जब आप ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ते हैं किसी रीजन से और फिर वापस से पढ़ाई करना चाहते हैं, यू कैन कम बैक एंड डायरेक्टली ज्वाइन द सेकेंड ईयर. यू विल नॉट बी कॉल्ड अ फेल्ड स्टूडेंट, which is very important. अच्छा, ये एंट्री एग्जिट होगी किस तरीके से? They have the government has proposed a digital credit bank. तो यानी जो भी पढ़ाई आप करोगे वो डिजिटली स्टोर्ड होगी एंड दैट विल बी स्टोर्ड एज अ क्रेडिट विच यू हैव अर्न आउट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड दोज क्रेडिट यू कैन यूज इट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद द सेम एजुकेशन और टू डू सम अदर एजुकेशन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. अगेन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जा रहा है जिसके तहत सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च होगी. और रिसर्च में दोस्तों हम बहुत बहुत पीछे हैं बाकी कंट्रीज से. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से. जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इनोवेशंस में, टेक्नोलॉजी में, दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. और एक सेंट्रल बॉडी की स्थापना की जा रही है तो इससे क्या होगा कि UGC एंड AICT को मर्ज किया जाएगा और एक सेंट्रल एजुकेशन बॉडी होगी जो सभी एजुकेशन को अक्रॉस इंडिया मॉनिटर करेगी. मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन कॉलेज लेवल पे भी लाया जा रहा है. तो यहाँ पे एसेंशियली अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग, फोटोग्राफी या और कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम में, देन यू कैन टेक अप दैट एज अ माइनर सब्जेक्ट. सो यू विल हैव अ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स विच यू कैन कंबाइन टू. सो वन वुड बी योर सीरियस सब्जेक्ट्स, सीरियस स्टडी रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड वन कुड बी योर हॉबी सब्जेक्ट. और ये चीज़ अगेन बहुत कॉमन है अब्रॉड में, जिसकी वजह से रीजन बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं. अब यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होने वाला है. और नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू रिमूव द MPhil. सो देर विल बी नो MPhil डिग्री आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स. यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर 4 ईयर्स ऑफ मास्टर डिग्री. दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए. इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. आई विल कम बैक टू यू सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड डे.